साथियों, आज नपुसरी चोपता में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह आए हैं और यहां कार्यकर्ताओं को बता दें कि सरपंच एसोसिएशन की प्रधान संतोष बेनीवाल द्वारा विरोध किया गया था। विरोध के बाद बैठक निर्धारित की गई और इस बैठक में किसान भी शामिल हुए थे। मंत्री जी से बातचीत करी है। इस बातचीत में जो मंत्री हैं रणजीत सिंह जी, उनसे किसानों ने और जो सरपंच है उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है वो भी पूछेंगे और लोकल जो एरिया के मुद्दे हैं उन पर भी मंत्री जी से बातचीत करेंगे। हाँ जी, कितना उत्साहित हूँ। देखिए, मैं सब बताऊँ, बहुत लोगों में जोश है। लोग आएंगे, देखिए लोग आएंगे आपस की लिहाज से, आपस के चेहरे के लिए। और पहली बार हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं जो बहुत मजबूत हैं। सरदार पटेल के बाद पहले मजबूत गृह मंत्री हैं जिन्होंने कश्मीर का मामला जो कभी नहीं सॉल्व हो सकता था, जिसकी उम्मीदें छोड़ दी थी, जिन्होंने करा। लोग उस करके उन्हें सुनने, उन्हें देखने, उनकी बात को सुनने आएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनका अपना प्रोग्राम सारे देश में चल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का नंबर दो आदमी देश के होम मिनिस्टर स्वागत करेंगे। कितनी भीड़ देखने को मिल सकती है 18 तारीख? देखिए, सब अंदाजा लग के अभी तो शुरू है। मैं तो कल आया हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैं रानिया में था, आज इलाहाबाद में, कल शाम को कॉलोनी में हूँ। 3 हल्के अभी करेंगे, 5 हल्के मैं 2 दिन में कर लूंगा। जो मैं अपना असेसमेंट कर पाया हूँ, जो मैं घूम रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से निकलेगी, बाकी लोग और भी लग रहे होंगे, मैं कभी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कहता। मेरे अपने हिस्से के 30-35 हजार आदमी मैं निकालू, 30-35 हजार आदमी मैं निकालूंगा। बाकी लोग कितने लगे, वो कितना निकालेंगे, वो इस बात को अगर मुझे समय और मिलता, अगर मुझे 5 दिन पहले कह दिया जाता तो मैं 50-60 हजार से मेरी कभी भीड़ बंद नहीं होती। आप जानते हैं गर्मी का मौसम बहुत 8 बरस रही है, इसमें लोगों को निकाल के ले जाना बड़ा टफ टाइम होता है। चौधरी साहब, नथुसरी चोपता क्षेत्र में गाड़ियों की लाइट की बड़ी समस्या है और जिनमें लगी हुई है उनको ट्यूबवेल की उसके साथ जोड़ रखे हैं। देखिए, पिछले 3.5 साल में जितना फटाफट काम करा गया है इतना पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए, जैसे प्रोग्रेस होती है, देश आगे बढ़ता है तो आगे आगे डिमांड भी बढ़ती जाती है। लोगों को पहले अब उन्हें सोलर पंप भी मिल रहे हैं, अब उन्हें गाड़ियों मिल रहे हैं। पहले पेट ट्रांसफार्मर मांगा 16 घंटे, अब 24 घंटे भी जब कहते हैं पेट से नहीं, हमें गांव से जोड़ दो। जो आदमी ट्रेन में चलता है वो हवाई जहाज में जाना चाहता है, ये तो है, हर आदमी की इच्छा होती है। अगर सरकार प्रयास करिए कि हम भारत तरीके से मदद करें। आप हमेशा पब्लिक की वॉइस सुनते हैं, आज किसान और सरपंचों ने भी आपके सामने आए थे, डेलीगेशन मिलकर गए थे। एक महिलाओं का सरपंच जो अध्यक्ष है वो आई थी और किसान डेलीगेशन आए थे, जो इंश्योरेंस वाले भी बैठे। मैंने उनकी बात सुनी, जेपी दलाल साहब से बात करा दी और डीसी साहब से बात करा दी कि उन पर हम पूरी मदद करें। जो बीमा वाली मामला है वो कोर्ट में है, सरकार अपने तरफ से प्राइवेट कंपनियां उनके खिलाफ गई है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा, थोड़ा समय लगता है पर होगा। निश्चित रूप से कोर्ट भी किसानों के साथ रहेगा क्योंकि किसानों की जेन्युइन मांग है। सरपंचों की भी कुछ मांगे हैं आपके सामने रखी है? नहीं, सरपंचों ने तो यही कहा था कि भाई सरपंचों का जो है हमें थोड़ा सा काम के लिए हमें जरा अधिकार ज्यादा दिए जाए, जो उनकी पुरानी मांग है। मैंने भी सुनी, भी मैं भी कहूंगा बाकी आप अपने 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 हल्कों में जो दूसरे आपके मिनिस्टर एम एल ए उनसे भी कहो, सब लोग हम सामूहिक आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह की जो रैली रहेगी, रैली के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की। और दूसरी बात, जो सरपंच और किसान मिले थे उनसे भी इन्होंने बातचीत करी, कहा कि मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। वहीं नथुसरी चोपता क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या थी ढाणियों में लाइट की, उस पर भी हमने सवाल करा, उस पर भी मंत्री जी ने जवाब दिया है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी धोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।